2021-22 एकेडमिक सेशन के लिए आज काउंसलिंग हो रहे बीटेक के फर्स्ट ईयर और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का शुरू चल रहा है। कल कट ऑफ डेट है, कल हम लीड का भी जो सीट बचे हुए उनके लिए भी काउंसलिंग करेंगे और इस पर लगभग बहुत सारे ब्रांच में सीट जो है फिल हो चुकी है। जो एक दो सीट खाली है वो कल भी फिल हो जाएंगे। कुछ ब्रांच है जिसमें थोड़े बहुत सीट बच जाएंगे, बट वो जैसे सेकेंड ईयर में लीट में आएंगे वो तब तक भर जाएंगे। बट यही सोचना है कि जो बच्चे लीट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल भी आए, उनके लिए कल लास्ट डेट है। जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में वो कल भी आए। और इंस्टीट्यूट लेवल पे काउंसलिंग कल आखिरी दिन है। ऑन स्पॉट भी जिन्होंने 12वीं किए हैं वो भी एंट्रेंस नहीं दिए हैं, रजिस्ट्रेशन किए नहीं, फिर भी वो कल आके यहीं पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है इंजीनियरिंग में और अलग अलग ब्रांचेस में जो सीट बचे हुए उनमें एडमिशन लेने के लिए। सर, हिंदी पहली बार विश्वविद्यालय में हिंदी में बीटेक आया है तो किस तरह का उत्साह है बच्चों के अंदर? बहुत अच्छा है। अगर फर्स्ट टाइम कोर्स देखेंगे, अभी तक हम 9 स्टूडेंट्स को एडमिशन हो चुकी है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में और मैकेनिकल में, तीनों ब्रांच में एडमिशन हुई है। और आज काउंसलिंग चल रहा है तो आज और भी कुछ बच्चे एडमिशन भी लेंगे, बहुत अच्छा है। सर, एक कुछ बच्चे ऐसा भी माना जाता है कि बीटेक में आजकल करियर ऑप्शन कम है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग जो है वो बेसिक है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स देखेंगे या सॉफ्टवेयर देखेंगे या फिर नॉलेज बेस्ड देखेंगे, आजकल इंजीनियरिंग में अगर आप अच्छे करियर बनाना चाहते हैं आपको हमेशा इंजीनियरिंग जो है बेसिक चीज आपको सिखाता है, ना कभी डाउन था ना कभी डाउन होगा। आपका डेजिटेशन? मैं चीफ एडमिशन कोऑर्डिनेटर हूँ 2021-22 का बीटेक कोर्सेज के लिए। प्रोफेसर रंजन कुमार बराल। थैंक यू सर। थैंक यू।